अभी मेरे ख्याल से अगस्त के महीने में बहुत सारी महिलाओं ने अपने भाइयों को राखी बांधी होगी ना। कितनी महिलाएं अपने मायके गई थी राखी बांधने के लिए, हाथ नहीं उठाएंगी। आपके घर में आपकी बहनों ने कितने पुरुषों को राखी बांधी, ईमानदारी से हाथ खड़े कर लीजिए। और मना करेंगे, लेकिन जो आपके हाथ में मुझे लाल रंग का धागा दिखाई दे रहा है, उससे मैं अनुमान लगा सकती हूँ कि जब आपके हाथ में लाल रंग का धागा है तो आपने राखी भी जरूर बंधवाई होगी। मैं इस बात से तो अनुमान लगा सकती हूँ क्योंकि मैं तमाम देश के कोने कोने में जाती हूँ और लोगों को देखकर पहचान लेती हूँ कि हाँ, इनके घर में ये संस्कार हुए हैं या नहीं हुए। मेरी बहन एक बात और सुनिए, परम पूज्य बाबा साहब, कितनी महिलाओं ने उनके हाथ पे राखी बांधी, एक भी महिला ने उनके हाथ पे राखी नहीं बांधी। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने बिना राखी बंधवाए, बिना उनको सुरक्षा का हवाला देते हुए, संविधान के माध्यम से और हिंदू कोड बिल के माध्यम से तमाम वो हक अधिकार उन्हें दे दिए कि आज महिलाएं पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। तो देखिए, हमें अगर किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है तो हमें परम पूज्य बाबा साहब के प्रति करनी चाहिए ना। जिस महामानव ने अपने चार चार बच्चे कुर्बान करके आपके लिए आजादी के द्वार खोल दिए, आप उस महामानव को तो नहीं मान रहे, लेकिन जो लोग आपके लिए कुछ नहीं करते, आप उनके लिए रात दिन घंटियां बजाते हैं, उनकी पूजा पाठ करती हैं, उनके लिए आराधनाएं करती हैं। और एक चीज और देखिए, मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रही हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि भाई को राखी बांधने से जो रक्षा सूत्र है, या जो भाई हवाला देता है कि बहन की रक्षा करेगा, ऐसा होता है ना, अगली बार जाओ, क्योंकि ये बार तो आपको हो गया, अगली बार जाना सिर्फ एक काम करना, कुछ भी मत लेकर जाना, एक धागा लेकर जाना और अपने भाई से बिल्कुल साफ साफ बोलना कि भाई, अगर मुझे प्यार करते हो, अगर मेरा सम्मान करते हो, अगर मेरी रक्षा करना चाहते हो, तो जब पिता की संपत्ति है ना, उसमें से बराबर का अधिकार मुझे दे दो, तब मैं मानूंगी हाँ, आप मुझे प्यार करते हो। मैं गारंटी से बात और कह रही हूँ, जिस बहन ने ऐसा किया, अगली बार क्रॉस लग जाएगा उसके मायके में, कोई भाई नहीं बुलाएगा उसे, ईमानदारी से कह रही हूँ। लेकिन हम चीजों को समझ नहीं रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं इसलिए नहीं जाती, अरे भाई बहन का संबंध खराब हो जाएगा, मायके जाना बंद हो जाएगा। क्यों भाई? जितना हक उस बेटे का पिता पर है, उसकी संपत्ति पर है, आप ही तो उसकी वारिस होना, आप ही तो उनकी बेटी होना। तो इसी तरह से अपने अधिकारों को समझिए। मैं लड़ाई झगड़े के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने का प्रयास कर रही हूँ कि जिन परम पूज्य बाबा साहब ने आपके लिए इतना त्याग समर्पण बलिदान किया, आप उनके प्रति जरा सी भी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करती हैं, बल्कि उल्टा उनको अपमानित करने का काम करती हैं। और जिन लोगों की आपके जीवन में कोई भी भूमिका नहीं रही, जिन लोगों ने लगातार आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखा, आप उन लोगों की जयजयकार करती हैं, उनका गुणगान करती हैं। तो मेरी बहनों, सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम